जर्नी थ्रू हिस्ट्री की यह हमारी पहली वीडियो है इस सीरीज में हम प्री हिस्ट्री यानी कबल तारीख से शुरू करके आज के दौर तक तारीख के तमाम अहम मोड़ और अहम वाकयात को कवर करेंगे और हम बताएंगे कि इंसानियत किन किन मराहल या स्टेज से गुजर कर आज के जदीद दौर तक पहुँची है जहाँ पर आज हम इसका मुशाह कर रहे हैं इस पहली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसानियत ने खेती बाड़ी या फार्मिंग का आगाज कैसे किया आज से दस हज़ार साल पहले तक ज़मीन पर आई सेज था यानी बर्फानी दौर तकरीबन तमाम कुर्रा अर्स बर्फ़ से ढका हुआ था इस दौर का इंसान गारों में रहता था ये वो दौर है जिसमें इंसान शिकार करता था और ख़ुराक की मुख्तल चीज़ें जैसे फल, नट्स बेरीज़ वगैरह जमा करता था इस दौर को हंटर गादर पीरियड कहा जाता है जब बर्फ़ानी दौर यानी आई सेज खत्म हुआ तो कुर्रा अर्ज पर बर्फ खत्म हो गई और टेपरेचर बढ़ गया अब काश्तकारी के काबिल ज़मीन दस्तियाब हो गई और इंसान ने काश्तकारी शुरू की अगर हम इंसानियत के आगाज़ को देखें तो हमारे कदीम आबाजाद जिनको किसी न किसी तौर पर इंसान कहा जा सकता है आज से तक़रीबन चार लाख साल पहले वजूद में आए ये मुख्तलिफ नस्लें थीं इन नस्लों को साइंसदानों ने मुख्तलिफ नाम दिए हैं मसलाबिलिस होमो इरेक्टस नियंदरथल्स वगैरह जदीद इंसानी नस्ल तकरीबन एक लाख साल पहले अफ्रीका में पैदा हुई और फिर वहाँ से ये पूरी दुनिया में फैली लेकिन इस स्पेशीज़ या इंसानी नस्ल जिसे होमोसेपियन कहते हैं के वजूद में आने से पहले तकरीबन दो लाख साल पहले इंसान की जो भी नस्ल यहाँ मौजूद थी उन्होंने टूल्स बनाए यानी आलात बनाए जिन्हें वो पत्थर की मदद से तैयार करते थे पहले आलात बनाए गए और फिर हथियार भी बनाए गए ये आलात और हथियार लकड़ी हड्डियों और जानवरों के सींगों से बनाए गए इसी दौर में इंसान ने आग का इस्तेमाल भी सीख लिया था यह है वो दौर जिसे हम हंटर गैदर पीरियड कहते हैं इंसान जंगली जानवरों का शिकार करता था और इस तरीके से अपनी खुराक मुहैया करता था इसके अलावा इंसान फल बीज नट्स बेरीज़ वग़ैरह भी अपने लिए जमा करता था और इस तरह अपने लिए ख़ुराक मुहैया करता था ये वो तरह से ज़िंदगी है जो छोटे ग्रुप के लिए था इसमें बड़ी बड़ी आबादियाँ और बड़े बड़े शहरों या देहात का क्याम मुमकिन नहीं था यह तर्ज़ ज़िंदगी छोटे ग्रुप्स को सपोर्ट करता था और इसके लिए ज़रूरी था कि एक ग्रुप एक जगह पहले शिकार करे या चीज़ों को जमा करे और जब वो अशिया वहाँ वाफिर मकदार में ना रहें कम हो जाए तो फिर वो ग्रुप वहाँ से नकल मकानी यानी माइग्रेशन करके उस जगह चला जाए जहाँ ये चीजें वाफर मकदार में मौजूद हों तकरीबन 8000 साल कबल मसीह में यानी तकरीबन आज से दस हजार साल पहले फर्टाइल क्रेसेंट में एक गैर मामूली तब्दीली पैदा हुई वो तब्दीली थी काश्तकारी का आगाज फर्टाइल क्रेसेंट वो इलाका है जो मिडल ईस्ट यानी मिश्र वस्ती से लेकर दजलो अफराद की वादियों से होकर शाम और इराक तक चला गया है ये इलाका एक हलाल यानी क्रेसेंट की शक्ल में है इसलिए इसे फर्टाइल क्रेसेंट कहा जाता है इस इलाके में इंसानों ने सबसे पहले कश्तकारी का आगाज़ किया ये तब्दीली इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब है इस इनकलाब ने तमाम इंसानी तहजीब और तमदन यानी सिविलाइजेशन को जन्म दिया लेकिन इंसान इस वक्त सिर्फ इसी फर्टाइल क्रेसेंट में मौजूद नहीं था इतफाक़ की बात है कि अगरचे सबसे पहले तो इसी फर्टाइल क्रेसेंट में काश्तकारी का आगाज़ हुआ मगर इसके कुछ ही अरसे बाद दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जहाँ जहाँ इंसान रहते थे उन्होंने अपने अपने तौर पर काश्तकारी का आगाज़ कर दिया इसकी वजह वही है कि यही वो दौर है जब आइस पीरियड ख़त्म हुआ और ज़मीन काश्तकारी के काबिल हुई वो कौन से इलाके थे जहाँ इस दौर में फर्टाइल क्रेसेंट के अलावा काश्तकारी का आगाज़ हुआ इसमें मसलन मेजो अमेरिका शामिल है यह वो खत्ता है जिसमें आजकल मेक्सिको गोइटे माला निकारा गोवा जैसे ममालिक शामिल हैं इसके अलावा साउथ अमेरिका में इंडियन रीजन है जहाँ काश्तकारी का आगाज इंसानों ने अपने तौर पर किया यानी ऐसा नहीं कि फर्टाइल क्रेसेंट में जो काश्तकारी शुरू हुई थी वहाँ से लोगों ने सीख कर अपने अपने इलाके में काश्तकारी शुरू की जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकाज तो इस दौर में अन नोन कॉन्टीनेंट थे जो बहुत बाद में दरियाफ्त हुए इसी तरह साउथ ईस्ट एशिया में काश्तकारी का आगाज हुआ इस खत्े में बरसीर मलेशिया सिंगापुर थाईलैंड वगैरह आते हैं फिर अफ्रीका में सब सहारन मुमालिक, यानी सहरा आजम के जनूब के ममालिक में काश्तकारी का आगाज़ हुआ काश्तकारी इंसानी तारीख का वो सबसे बड़ा कदम है जो अगर ना होता तो आज हमारा तहजीबो तमदन वजूद में ना आता आज हमारे बड़े बड़े शहर हैं आर्ट मूसी की अदब तजारत इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी ये सब काश्तकारी ही की वजह से हैं जब इंसान ने काश्तकारी शुरू की तो हुआ ये कि इतनी काफी खुराक पैदा हो सकी कि इससे पहले जो हंटिंग और गैदरिंग का दौर था उसमें इतनी ज्यादा खुराक मुहैया नहीं हो सकती थी अब जब काश्तकारी शुरू हो गई तो बहुत वाफिर खुराक मुहैया हो गई इसके नतीजे में लोगों के लिए यह मौका पैदा हो गया कि वो दीगर काम भी कर सकें चुनाचे इतना फारि वक्त पैदा हुआ कि लोगों ने दीगर पेशे अख्तियार किए जो इससे पहले वजूद में नहीं आए थे मसलन लोग सिपाही बने दस्तकार बने मजहबी पेशवा बने और औरूम की तालीम हासिल करके स्कॉलर बने और इस तरह एक कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा और अदम मसावत यानी इनकोलिटी पर मबनी एक सोसाइटी पैदा होनी शुरू हुई अदम मसावत या इनक्वलिटी इसलिए कि इससे पहले के दौर में तमाम लोग हंटर का थे लेकिन अब जो मुआरा पैदा हुआ इसमें कोई काश्तकार था कोई सिपाही था कोई मजहबी पेशवा था और कोई हुक्मरान आप जानते हैं कि वो कौन सी फसलें थी जो सबसे पहले काश्त की गई फर्टाइल के रेसेंट में गंदम और जौ अमेरिकाज में मकई बल्कि मकई तो दुनिया में मौजूद ही नहीं थी ये तो जब अमेरिकाज दरियाफ्त हुए तो उसके बाद वहां से मकई बाकी दुनिया में मुतारिफ हुई और काश्त हुई सब सहारण अफ्रीका में एक फसल जिसे सोरगम कहा जाता है काश्त की गई शुमाली चीन में बाजरा काश्त किया गया और साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक में चावल काश्त किया गया इसके साथ साथ जानवरों के पालने का सिलसिला भी शुरू हुआ जंगली जानवर सिधाए गए इनको घरेलू खिदमत के लिए पाला गया सबसे पहले इंसान ने जिस जंगली जानवर को पाला वो था कुत्ता लाइव स्टॉक फार्मिंग यानी जानवरों का पाला जाना दूध और चमड़े के लिए सबसे पहले मशक़ा यानी मिडल ईस्ट के खिते में शुरू हुआ सबसे पहले जो जानवर घरेलू इस्तेमाल में लाए गए वो थे गाय भेड़ें बकरियां और गधे इनमें जो जानवर बड़े थे उनसे काश्तकारी का काम लिया जाता था जनूबी अमेरिका में जो जानवर सबसे पहले पाला गया वो था लामा सवाल यह है कि काश्तकारी के, के इंसानों और माशरे पर क्या असरात पड़े ये तो हम बता चुके हैं कि काश्तकारी ही हमारी जदीद तमदन यानी सिविलाइजेशन की बुनियाद है मगर इसके असरात बहुत वसी थे इससे पहले जो हंटर गादरर सोसाइटी थी इसमें अफराद ज़्यादातर बेहतर जिसमानी साख्त रखते थे इसकी वजह ये थी कि इनकी खुराक मुतवाजन थी वो एक तरफ शिकार करते थे और जानवरों का गोश्त खाते थे जिनसे इनको प्रोटीन मिलती थी इसके अलावा चूंकि वो गादर थे इसलिए वो फल भी खाते थे वो बीन्स बेरीज नट्स वगैरह भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे इसलिए इनकी खुराक मुतवाजन थी यानी वो बैलेंस्ड डाइट थी जिसकी वजह से वो ज़्यादा वेल बिल्ट थे और इनकी सेहत भी बहुत अच्छी थी मगर इसके बाद जब काश्तकारी का दौर शुरू हुआ तो किसानों की खुराक ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल हो गई जो फसलों से हासिल होते हैं प्रोटीन की मकदार इनकी खुराक में ना होने के बराबर रह गई आज भी वो लोग जिनकी गुजर बसर ज्यादातर फसलों पर होती है उनकी खुराक भी ऐसी ही है इसका नतीजा ये निकला कि बैलेंस्ड डाइट ना होने की वजह से काश्तकारी के दौर में जो लोग काश्तकारी से वाबस्ता थे इनकी सेहत इतनी अच्छी ना रही जितनी इससे पहले के दौर में यानी हंटर गादर दौर में थी काश्तकारी से पहले भी एक तकसीम यानी डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद थी मगर वो बहुत मामूली तकसीम कार थी वो ज़्यादा गहरी बुनियादों पर नहीं थी मिसाल के तौर पर हंटर गैदरर सोसाइटी में मर्द ज़्यादातर हंटर होते थे और औरतें गैदरर होती थी इस दौर में ये हल्की फुल्की तकसीमक थी इसके अलावा जो लोग शिकार के दौरान मज़ूर हो जाते थे या पैदाइशी मज़ूर होते थे वो बाद सोसाइटी में शैमन बन जाते थे शैमन यूं समझ लें झाड़ करने वाले जादू टूना करने वाले लोग ये इस दौर में मौजूद होते थे और ज्यादातर माजूर अफराद जो हंटिंग का काम कर सकते थे ना गैदरिंग का काम वो शैमन बन जाते थे ये थी इस दौर की हल्की फुल्की डिवीजन ऑफ लेबर लेकिन जब काश्तकारी का जमाना आया तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन पैदा हुई यानी पेशे बिल्कुल अलग अलग हो गए मिसाल के तौर पर एक सोसाइटी में बादशाह और मजहबी पेशवाओं को सबसे बुलंद हैसियत हासिल थी और सबसे निचला और कमतर मरतबा गुलामों का था इस तरह का कॉम्प्लेक्स मुआशरा उसी वक्त मुमकिन है जब माशरे नकल मकानी या माइग्रेशन करने वाले ना हों सेटल्ड मुआरे हों कम अज़ कम देहात के तौर पर एक जगह रहते हों और ऐसे मुआरे जहाँ खुराक वाफिर हो जब दस्तकारी शुरू हुई तो दस्तकारी की अशिया भी वजूद में आई इससे तिजारत शुरू हुई और दूर दराज इलाकों से लोग दस्तकारी की अशिया लेकर तिजारत करने लगे आज से तकरीबन आठ हज़ार साल पहले दुनिया में छोटे छोटे कस्बे वजूद में आ गए यानी ये इंसानी तारीख के पहले कस्बे हैं जो आठ हज़ार साल पहले वजूद में आए इनकी मिसाल है वादी उर्दन में जेरिको नाम का कस्बा इसी तरह अनातोलिया जो अब तुर्की में है वहां चार्टे हु नाम का कस्बा जब देहात ने बड़े होकर कस्बों की शक्ल इख्तियार की तो इसके बाद सिविलाइजेशन ने अगला कदम उठाया और मजीद तरक्की की यही कस्बे बड़े होकर शहर बने और फिर बड़ी बड़ी सल्तनतें वजूद में आई हमारी आज की वीडियो यहाँ खत्म होती है अगली वीडियो में हम बताएंगे कि दुनिया के पहले शहर कौन से थे और पहली सल्तनतें कौन सी थीं और वो दुनिया के किन हिस्सों में वजूद में आई उनका मुआरा कैसा था और उनका निज़ाम हुकूमत क्या था